सो नाउ वी विल सी सेफ ट्रांसपोर्टेशन जब हम अन इंटेंशनल इंजरीज की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना है कि जो uh, किस तरह से हम बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज से बचा सकते हैं सो व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रेन शुड बी फिटेड विद एन अप्रोप्रिएट सेफ्टी रेस्टोरेंट सिस्टम बेस्ड ऑन हाइट वेट एंड एज द वीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रेन शुड कंटेन एडिक एंड appropriate इक्विपमेंट एंड फीचर्स टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी एंड देन children एंड adults must मस्ट ऑलवेज बी बकल्ड इन सिक्योरिटी एंड फाइनली driver ड्राइवर ऑफ एन vehicle व्हीकल मस्ट बी रिस्पांसिबल इंडिविजुअल एंड पोजेस अ करेंट लाइसेंस देखिए हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बच्चों को सुबह जो स्कूल लाने ले जाने वाली वैन्स हैं या रिक्शा है अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो छोटे रिक्शा के ज़रिए स्कूल जा रहे होते हैं और उनको ओवरलोड कर दिया जाता है वहाँ सेफ्टी मयर्स बिल्कुल भी अबाइड बाय नहीं की जाती तो अब हर पेरेंट तो अपने बच्चों को ख़ुद से स्कूल छोड़ नहीं सकते चूँकि हम प्री स्कूलर्स की बात कर रहे हैं वो बच्चे छोटे हैं अभी उनको अपनी केयर का पता नहीं है लेकिन ये कि चूँकि उनके लिए ऐसी सवारियाँ हैं जहाँ पर उनके लिए हिफाजती इंतजाम नहीं हैं तो बच्चे वहाँ से गिरेंगे और उनको चोट लगेगी तो अगर अगर कोई वैन है जिसके इर्द गिर्द ऐसा जंगला या दरवाज़ा नहीं है जिससे बच्चे बाहर गिर जाएं तो ज़ाहिर है उनको नुकसान पहुंच सकता है और फिर यह कि आपको पता है भी डंडे होते हैं या बेल्ट सीट बेल्ट होती है या इस तरह का कोई इंतज़ाम जिससे बच्चे अपनी जगह पर फिक्स रहें और आगे पीछे मूव ना करें गाड़ी को ब्रेक लगती है तो बाहर ना गिर जाएं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है देखिए आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं हम आ, आपको अक्सर हमारे शहरों में ये मंज़र देखने को मिल जाएगा कि भाई बच्चे जो है बारह बारह बच्चे एक रिक्शा के ऊपर बैठे हुए हैं कुछ बाहर को लटक रहे हैं ये सारी सिचुएशन बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक सो मोटर व्हीकल्स यूज टू ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत से हादसा हुए कि गैस लीकेज की वजह से वैन को आग लग गई या खुदा न खासा उसके अंदर वायरिंग शॉर्ट थी तो उसको आग लग गई और कितने कितने बच्चे जो हैं वो उस अपनी सवारी के अंदर जल के जो हैं वो ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि कई की डेथ्स हो गई तो अब ये है कि ख़ास तौर पर जो सवारियाँ बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनका तो बायदा चेकअप होना चाहिए ना और उनको बाकायदा इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो बच्चों को ला सकती हैं या नहीं क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियाँ होंगी जिनका कोई इस तरह का बैलेंस नहीं होगा चेक एंड बैलेंस तो फिर तो नुकसान हो सकते हैं ना हादसा के ज्यादा चांसेस हैं जब हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे आ, इस तरह के इतफाकी हादसा से बचे रहें तो हमें उनकी ट्रांसपोर्ट की तरफ खास तवज्जो देनी होगी कम अज कम उसके इर्द गिर्द ऐसा हिफाजती कोई इंतजाम जरूर हो कि बच्चा बाहर ना गिरे फिर हम ये कहते हैं कि व्हीकल शुज नाट भी ओवर क्राउडेड जो अभी मैंने अर्थ किया अगर एक रिक्शे पे बारह बारह तेरह तेरह बच्चे बैठेंगे तो अब वो रिक्शे वाला तो अपनी आमदनी की फ़िक्र कर रहा होता है लेकिन ये बच्चे जाहिर है फिर बेचारे जब बैठते हैं तो ऐसे निचले भी नहीं बैठ सकते आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और कई तो वहाँ पे मौके पे लड़ भी पड़ते हैं भाई तुम मेरी सीट पे बैठ गए हो तुम मेरी सीट पे ऐसी सूरत में कुछ भी इरेगुलरिटी होती है तो वो नीचे गिरेंगे अब खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरे और नेक्स्ट कोई सवारी आ गई कोई व्हीकल आ गई तो वो उसके पहियों से ज़ख्मी हो सकते हैं तो ओवर क्राउडिंग तो बिल्कुल भी मना होनी चाहिए अब ये स्कूलों पे भी है कि वो अपनी पॉलिसी बनाएं कि रेस्ट्रिक्शनस हों कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो ओवर क्राउडिड ना हो और वालदेन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आ, उनको अपने बच्चों को ऐसी ओवर क्राउडड सवारी में ना जाने दें और ख़ास तौर पर हमारी कम्यूनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए ख़ास ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टेड हो ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज आ या जा सके फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल अब खुदा न खास्ता कोई भी हादसा होता है तो एक तो ये कि बच्चे का अपना शनाखती निज़ाम मौजूद होना चाहिए कि उसके पास कार्ड हो इस तरह से स्कूलों की तरफ से सारे जो हम हमारे स्कूल हैं उनको बच्चों को इस तरह के ना सिर्फ कार्ड इशू होने चाहिए बल्कि उनके ड्रेस के ऊपर वो पेंड हों ताकि वो खुदा न खास्ता जख्मी होते हैं तो फ़ौरी तौर पर उस बच्चे की भी शनाख्त हो उसका एड्रेस भी घर का वहीं लिखा हुआ हो और जो उनका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है वो भी वहीं लिखा हो ताकि फ़ौरी तौर पर उसको देखते हुए वहाँ पर कॉल किया जाए और उसको हॉस्पिटल भी पहुँचाया जाए और वालदे को भी फ़ौरी तौर पर मतले किया जाए तो ये सारी देखिए ट्रांसपोर्ट के जो हादसात हैं उन, उनको आप नेगेट नहीं कर सकते हमारे मुल्क में तो ये ट्रांसपोर्ट के हादसा होते ही होते हैं पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि ज़ाहिर है एक मूविंग चीज़ है चल फिर रही है तेज़ी से चलती है तेज़ रफ्तार है तो बच्चे किसी भी वक्त कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे वो गिर जाते हैं फिर आखिर में ये है कि डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर द पिक एंड ड्रॉप फ्राम द व्हीकल अब देखिए ये भी नहीं कि आप स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और वो फैल गए हैं चार चफेरे तो ज़ाहिर है जहाँ गाड़ियाँ आ जा रही हैं वहाँ किसी चीज़ से हादसा हो गया तो वहाँ जख्मी हो गए हर किसी इदारे को पिक एंड ड्रॉप के एरियाज़ जो हैं वो डेज़िग्नेट करने चाहिए मखसूस करने चाहिए कि भाई यहाँ से बच्चों को उठाया जाएगा और यहाँ ही बच्चों को वापस लाया जाएगा इसी तरह घरों से जब बच्चे जाते हैं कोई उनका बड़ा उनके साथ जाए और उनको जहाँ किसी बस या वैन पे उन्होंने भेजना है तो वो डेज़िग्नेटेड एरियाज में खड़े हों बिफ़ाजत बच्चों को सवार करवाएं और इसी तरह वापसी पर बािफ़ाजत बच्चों को वहाँ से वापस लिया जाए जितनी ज़्यादा हम एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा हम महफूज़ रहेंगे ये तो हमारा भी ईमान है ना कि हमने हिफाजती इकदाम करने हैं तो फिर ही अल्लाह से हिफाजत की उम्मीद हमने रखनी है